मॉर्निंग, राम राम, सीताराम, जय माता जी। तो दोस्तों, अभी सुबह के 11 बज गए हैं और हम वहाँ पर जो दूसरा खेत है हमारा, वहाँ पर अभी जुआर काट रहे हैं। तो अभी मैंने सोचा कि आपको जो हल थ्रेसर आया है मेरे दादाजी की मूंगफली निकालने के लिए, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपको दिखा दूँ वीडियो में कि किस तरह से मूंगफली निकालते हैं थ्रेसर से, तो वो आज दिखाता हूँ। तो सुबह के 9 बजे से आया था, पर मुझे थोड़ा काम है खेत में और जुआर काट रहे हैं, तो इसलिए अभी मैं वीडियो शूट नहीं किया सुबह से। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि मूंगफली कैसे निकालते हैं, तो आपको दिखा दूँ। ऑटोमेटिक थ्रेसर है जो ट्रैक्टर से चलता है, तो वो अभी आपको दिखा दूँ कि कैसे मूंगफली निकलती है, तो वो अब आज दिखाऊँगा आपको। तो चलिए दोस्तों, अब आ गया हूँ वहाँ पर जो थ्रेसर चल रहा है, तो वहाँ इस तरह से थ्रेसर चलता है ट्रैक्टर से, और मूंगफली भी इस तरह से निकलती है। और दोस्तों, आवाज़ नहीं आएगी इसलिए यहाँ जाकर नहीं बोलूँगा मैं। और देखिए, जाते हैं और दिखाता हूँ मैं। ये ट्रैक्टर है जॉन डियर,
भी आप लोग इनका देख करें तो वहाँ पर आप लोग देख सकते वर्कर है वो मूंगफली डाल रहे हैं, मूंगफली वो डाल रहे हैं और वहाँ से उनको मिट्टी पर जल चली जाती है प्रेशर में। उसके बाद प्रेशर खाने के बाद पर डालने के बाद मूँगफली अंदर चली जाती है। फिर उसके सरने से कटिंग होकर जो चारा होता है वो पीछे हो जाता है और मूँगफली साइड में निकलती है। तो सुबह के 9 बजे से आया था थ्रेसर और अभी थोड़ा ही बाकी है मूँगफली। यहाँ पर एक छोटा बच्चा बैठा था तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इतनी सारी जगह में मूँगफली पड़ी थी तो सुबह से चला रहे थे तो निकल गई थी आधी। अभी यहाँ पर पन्नी में डाल के ऊपर जो मूँगफली डालने की जगह है वहाँ डालेंगे। मूँगफली भी बहुत सारी टूट गई है आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर भाभी भी है, चलिए अब आगे भी जाते हैं और दिखाते होंगे। तो देख सकते हैं वहाँ पर जो पीछे निकल रहा है वो मूँगफली का चारा निकल रहा है वहाँ से, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो उसके वहाँ पर अभी मूँगफली डाल रहे 5-6-7 वर्कर्स है वो डाले। इन सभी खेत में मूँगफली थी और यहाँ पर आपको देखिए ये मूँगफली का ढेर है यहाँ पर जो पन्नी ढकी हुई है आप वाइट वाइट दिख रही है आपको, तो उसमें मूँगफली है। तो दोस्तों आपने आगे देखा कि कैसे मूँगफली निकलती है, तो आपने कभी देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर नहीं बता देखा तो भी कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वो वीडियो। तो चलिए दोस्तों अब जाता हूँ मैं और हमें जुआर भी काटनी है तो जुआर भी काट लेते हैं क्योंकि अब जुआर सूख गई है। आप पीछे देखिए ये हमारी जुआर है जो दूसरा खेत है जो हमारा माता कुलदेवी का मंदिर है वहाँ पर एक खेत है उसमें जुआर लगाई थी वो अभी सूखने वाली है तो आधी सूख गई है तो अभी काट रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता हूँ और यहाँ पर आप जुआर काट रहे हैं तो फिर मिलते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, तो अभी शाम के 6 बज गए हैं और अभी मैं आया हूँ खेत में क्योंकि मक्का काट रहा है भैया तो वो लेने आया हूँ अभी। और मैं चला रहा था उस टुअर में जो बाइक चला रहा था तो उसमें धोरिया करना था तो वो धोरिया कर रहे थे अभी हम, मैं और पापा धोरिया कर रहे थे और अभी वो धोरिया बना दिया है। अब यहाँ पर मैं मक्का लेने आया हूँ जो कि छोटे भैया ने यहाँ पर काट के रखा है तो वो लेने आया हूँ अभी। तो आप पीछे देखिए तो अभी वो लेने आया हूँ। और दोस्तों आज सुबह आपने देखा कैसा जो मूँगफली निकाल रहे थे मेरे दादाजी की,
तो वो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल एक और न्यू व्लॉग में फिर से मिलते हैं।